तो ये जो गलत फहमी है अपनी उसको कभी भी अपने माइंड में मत बैठने देना मेरी इस बात को याद रखना लाइफ में हमेशा चाहे आप कुछ भी कर रहे हो नेवर यू आर अनलकी ऑलवेज से यू आर लकी बिकॉज फिर आपका दिमाग सही डायरेक्शन में चलेगा द मोमेंट यू स्टार्ट सेनलक्की अब कुछ भी नया करने से आपको डर लगेगा कि मैं ये करने तो वाली हूं लेकिन आज तक सब गलती हुआ है मेरे साथ में तो अब भी गलती होने वाला है नेवर से दैट ऑलवेज से आई एम लकी थैंक यू सर फिर क्या होगा कि जो भी आपके फेलियर्स हुए हैं पास में जिसको आप फेलियर कह रहे हो जो एक्चुअल में फेलियर नहीं है क्योंकि आपने जो पाँच जॉब करी तो आपको अलग अलग चीजें सीखने को मिली ना अलग अलग लोगों से डील करना आया ना तो आपके पास में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उस इंसान से जिसने एक ही जगह पर जॉब करी है एक जगह पे जाना चाहे वो जॉब हो चाहे कोई भी जगह हो जहां पर और भी बहुत सारे लोग हैं और वहां पर अपनी जगह बनाना ये कोई आसान काम नहीं होता है आपने काम पांच बार करा है इसका मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या लोगों के साथ में मिल करके चलने की स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी है अगर प्रॉब्लम हुई भी जो आपने कहा कि पास में प्रॉब्लम हुई तो वो आपके सीनियर्स के साथ में हुई ना जो आपके लेवल पे लोग थे क्या वहां पे प्रॉब्लम हुई नहीं।, नहीं हुई तो व्हाट दैट मींस इज कि आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है यानी लोगों से बात करने की उनके साथ में मिल करके काम करने की वो बहुत अच्छी है मैं ठीक कह yes, तो आप लेकिन आपको पता नहीं है आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज है लेकिन आपको पता नहीं है आप मुझे बस इतना सा बताओ कि अगर आप अपने गांव में जाते हो शॉप ओपन करते हो वहां पे जो लेडीज आती हैं तो क्या आप उसको सही से गाइड कर सकते हो कोई वहां पे घपला तो नहीं करोगे चोरी चकारी तो नहीं करोगे ईमानदारी से, से करोगे यस तो फिर वो काम क्यों नहीं चलेगा अपने ऊपर रख करके देखो अगर आप ऐसी एक शॉप में जाते हो जहां पे कोई ऐसी इंसान है जो बड़े अच्छे से समझा रही है कुछ भी गलत नहीं कर रही है प्रोडक्ट बेचने से पहले एक्सपायरी डेट देखना उनको सिखा रही है अगर उनको नहीं पता है तो उनको एजुकेट कर रही है साथ में कुछ फ्रीबीज भी दे रही है और फ्रीबीज इन द सेंस कि एक तो वो जो एक्चुअल में बाहर लिखा हुआ है कि बाय वन गेट वन फ्री और एक वो वो जो जूस वाली मैंने अभी बात करी थी कि साथ में छोटा सा ट्रायल पैक वो फ्री में मिलेगा आपको मतलब जो कंपनीज होती है अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए फ्री सैंपल्स देती है तो वो फ्री सैंपल्स आप बांट दोगे उनमें कि आप इसको भी ट्राई करना इसको भी करना इसको भी करना वो कहेंगे अच्छा इसके कितने पैसे कोई पैसे नहीं है फ्री है तो बेसिक साइकी आपने पकड़ ली लोगों की और अगर इस तरह से आप कर पाओ और आपका नाम चल जाए वहां पे उस एरिया में तो एक शॉप आज है आपके पास में बट कल एक से दो होने में टाइम नहीं लगेगा उस शॉप को बड़ा करना कोई मुश्किल नहीं है वहां पे मार्जिन बहुत अच्छा है तो पैसा तो बहुत कमाया जा सकता है जी सर। और अगर आपको आइडिया लेना है ना कि कितना पैसा कमाया जा सकता है तो जो शॉप ऑलरेडी वहां पर है वहां पर जाकर के दो तीन दिन के लिए साइड में बैठ जाओ किसी का आपके मिलने वाले का घर होगा कुछ होगा वहां पे बैल्कनी में अपना एक दूरबीन लेकर के देखते रहो और पेपर पेन ले करके लिखते रहो कितनी फीमेल्स वहां पर अंदर गई कितनी खाली हाथ बाहर आई और कितनी जो बाहर आई उनके हाथ में थैला था तो आपको यह आइडिया लग जाएगा कि एक दिन में 30-40 लेडीज आती हैं, जिसमें से 10 से 15 कुछ ना कुछ खरीद करके जाती हैं। अगर 10 ने भी कुछ खरीदा और मान लो एवरेज पांच रुपए का भी खरीदा तो दस, पांच सौ इन टू एक दिन का उसमें उनका मार्जिन कितना है सेवेंटी परसेंट एट्टी परसेंट बट मैं मान लेता हूं आने जाने का खर्चा है ट्रैवल है ये है वो है तीस परसेंट तो कितना हो गया पंद्रह सौ रुपये एक दिन का deal. महीने का कितना हो गया पैंतालीस हजार रुपए ये प्रॉफिट है सेल है डेढ़ लाख की प्रॉफिट है पैंतालीस हजार रुपये महीना और फ्यूचर में क्या हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने अच्छे से प्रोडक्ट्स को सेल कर पा रहे हो

हाँ जी। आपको अच्छे डिजाइन में और बुरे डिजाइन में बेसिक सा फर्क पता है क्या फ़ॉन्ट यूज़ करना है कैसे इमेजेस यूज़ करनी है, कहां से करनी है से इन अदर वर्ड्स कि इस बिजनेस को रन करने के लिए जो बेसिक स्किल्स चाहिए होती है वो सब आपके पास में और सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास में क्या है कि अगर मान लो आप उस एरिया के नहीं होते और आप वहाँ जा के शॉप ओपन करते तो वहां पर जो लेडीज हैं वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि आप उनकी भाषा में बात नहीं कर पाते बट क्या आप उनकी भाषा जानते हो हाँ जी ये भी एक स्किल है जैसे लोग जर्मन सीखते हैं स्पेनिश सीखते हैं क्यों सीखते हैं ताकि उसको यूज करके पैसा कमाया जा सके तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास होती है लेकिन हमें पता ही नहीं होती है या उसकी वैल्यू ही नहीं पता होती है तो इसकी बहुत वैल्यू है आप वहीं के हो लोग आपको जानते हैं उनसे उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हो काम कर रहे हो और ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा है तो ये काम क्यों नहीं चलेगा थिंक अबाउट इट इसमें ज्यादा पैसा मत लगाओ शुरू में कम से कम लगाओ यानी इंटीरियर में और बाहर बोर्ड लगाने में स्टॉक रखने में भरो मत दुकान को पूरी तरीके से सिर्फ वही चीजें रखो जो बेस्ट सेलिंग है यानी जो बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा है एट्टी ट्वेंटी रूल को समझो कोई भी बिजनेस हो एट्टी परसेंट ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ट्वेंटी परसेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स तो शुरू में इसी पे फोकस करो यानी जब आप यहां पर किसी होलसेल मार्केट में जा रहे हो तो उनसे पता करो कि कौन से आपके प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा बिकते हैं तो अगर कोई एक दुकान वाला आपको बोल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान मत दो बट अगर दस दुकान वाले सेम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उस बात में दम है प्लस उस चीज को आप अपने गांव में वहां पे भी जाकर के देख सकते हो जहां पे आप जासूसी करोगे वो दूरबीन लेकर के कि क्या बिक बिक रहा रहा है कैसे रहा है कैसे उस दुकान में आप एज कस्टमर भी जा सकते हो तो इस तरह से आप चीजों को बारीकी से समझ सकते हो जब एज कस्टमर जा रहे हो वहां से पांच सात का को कोई सामान आपने ले भी लिया तो बात भी तो करोगे आधा एक घंटा तुमसे सारा समझोगे अच्छा ये क्या होता है वो क्या होता है वो क्या होता है कौन सा बिकता है कौन सा नहीं बिकता है कौन सा ज्यादा होता है कौन सा कम वो तो बताएंगे ही अब आप कस्टमर हो उनके तो आपने सारी रिसर्च कर ली उस दुकान के ऊपर भी और वहां से कितने कस्टमर्स निकल रहे हैं उसकी कितनी सेल हो रही है कितना प्रॉफिट है आपको सब पता है अब आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो अगर बिना ये सब करे आप एकदम से जाकर के एक शॉप ओपन कर दोगे तो वो चलने के चांसेस कम है बट अगर ये सब कुछ समझ करके कि आपने पास में जो किया वो एक तरीके से डॉट्स हो गए उन सारे डॉट्स को आपने कनेक्ट किया इससे जॉब आप करने वाले हो और अपने आपको बोला अच्छे से करोगे तो काम चलेगा नहीं करोगे तो नहीं चलेगा क्योंकि अब ये काम पूरी तरह से आपके हाथ में है जो पीछे चार पांच जॉब आपको बदलनी पड़ी वो आपके हाथ में नहीं थी क्योंकि वहां पर और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे यहां पर तो आप ही ना आप अकेले ही उस शॉप को चलाओगे ना शुरू में तब तो पूरी तो तरह से आपके हाथ में है तो आप ये बोल सकते हो ना अपने आप को कि अगर मैं अच्छे से काम करूंगी तो क्यों नहीं चलेगा यस सर विश यू ऑल द बेस्ट प्लीज हैव अ है